हेलो फ्रेंड्स, आज हम बनाएंगे हैंगिंग टॉवल जो किचन और बाथरूम दोनों में यूज़ होता है। तो इसके लिए मैंने यहाँ पर ये एक टॉवल ख़रीदा है, ये मुझे 15 रुपये में मिला है। और मैं ले रही हूँ एक कपड़े का टुकड़ा, मैं यहाँ पे चेक्स वाला कपड़ा ले रही हूँ। आप चाहे तो प्लेन या प्रिंटेड कपड़ा ले सकते हैं, लेकिन कपड़ा थोड़ा सा मोटा होना चाहिए। तो इसे मैं इस तरह से फोल्ड कर रही हूँ और ये मैं यहाँ पे 5 इंच पर निशान लगा रही हूँ। मेरा ये कपड़ा लंबाई और चौड़ाई दोनों तरफ से 5-5 इंच का मैंने कपड़ा ले लिया है। इसे हम यहाँ से इस तरह से कट कर लेंगे और कट करने के बाद हम इसे फोल्ड करके दोनों तरफ से, यानी ये एक तरफ से हमें सिलाई लगाने की ज़रूरत नहीं है, दो तरफ से हम इसे इस तरह से एल शेप में सिलाई लगा लेंगे। सिलाई लगने के बाद हम इसे एक कॉर्नर से इसका छोटा सा टुकड़ा कट कर देंगे ताकि हमें इसे सीधा करने में आसानी हो। अब मैं इस पीस को सीधा कर रही हूँ। आप चाहें तो राउंड शेप भी दे सकते हैं, मैंने यहाँ पर स्क्वायर शेप दिया है। अब ये मेरा पीस बनकर रेडी हो गया है। इसके लिए मुझे अब हैंगिंग के लिए एक छोटा सा लूप चाहिए होगा, तो उसके लिए मैं 1 इंच का कपड़ा, 5 इंच का लंबाई और 1 इंच की चौड़ाई का कपड़ा कट कर रही हूँ। और इसे हम इस तरह से फोल्ड करेंगे और इस पर सिलाई लगा लेंगे तो हमारा ये लूप बनकर रेडी हो जाएगा। अब हमने जो कपड़ा रेडी किया था ऊपर का, उसे हम बीच में से छोटा सा कैंची से कट कर लेंगे ताकि हमें उसका मिडल पता चल जाए, और मिडल से हम 1 इंच तक उसकी सिलाई को उधेड़ लेंगे। उधेड़ने के बाद हमने जो लूप बनाया था उसे अंदर की तरफ इस तरह से रखना है। आपको, आप वीडियो में देख सकते हैं, इस तरह से रख कर हम इसके ऊपर से अच्छे से डबल सिलाई लगा देंगे ताकि ये मजबूत हो जाए। सिलाई हमारी लग गई है और ये हमारा हैंगिंग का जो पीस है ये रेडी है। अब इसके साथ हमें हमारे टॉवल को अटैच करना होगा। आप चाहें तो किसी भी क्वालिटी का टॉवल ले सकते हैं और इस तरह से हम टॉवल पर प्लीट्स लगाएंगे। अंदर की तरफ मैंने कॉर्नर्स को पहले अच्छे से फोल्ड कर लिया है। अब हम देख लेंगे कि हमारा जो ऊपर का पीस है वो कितना है, उसके हिसाब से हम अपने टॉवल को प्लीट्स दे देंगे। अब प्लीट्स हमारी बराबर हो गई हैं। मैं यहाँ पे पिंस लगा रही हूँ और पिंस लगाने के बाद हम इन प्लीट्स वाले टॉवल को स्टिच कर लेंगे। स्टिचिंग हो गया है। अब हम ये जो ऊपर का हमने पीस बनाया था कपड़े से, उसे हम अंदर की तरफ इस तरह से फोल्ड करेंगे जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। फोल्ड करने के बाद इसमें हम हमारे टॉवल को अच्छे से फिट कर देंगे और यहाँ पर इसके ऊपर सिलाई लगा देंगे। ये मैंने जिगजैग सिलाई लगाई है क्योंकि मेरी मशीन में ये डिज़ाइन आ जाता है। अगर आपके पास सिंपल सिलाई है तो आप सिंपल सिलाई वाली मशीन पे भी सिलाई लगा सकते हैं। चारों तरफ से मैंने इसे सिल लिया है। इसे डेकोरेट करने के लिए हम इस तरह के पैचेस या बटन्स लगा सकते हैं। इसी तरह का मैंने एक और टॉवल रेडी किया है। इस पे मैंने एम्ब्रॉयडरी किया है थोड़ा सा, आप देख सकते हैं। प्लेन कपड़े से मैंने बनाया है और इसी तरह का मैंने एक प्रिंटेड कपड़े से भी टॉवल बनाकर रेडी किया है। तो ये बहुत ही इजीली सिर्फ 5 मिनट में हमारा ये टॉवल बनकर रेडी हो जाता है और आप इसे इस तरह से बाथरूम में या किचन में कहीं भी हैंग कर सकते हैं। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई तो मेरे वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू।